अब देखते हैं किसको किधर खाना खिलाना है। इस साइड भी लग चुका है तो यह है शादी वाला माहौल। थोड़ा सा आगे और जाना होगा हमें। बंदा चावल भर रहा है, उसमें मीट डाल रहा है, चटनी डाल रहे हैं, यहाँ से चिकन डाला जा रहा है। ये ऐसे जैसे मेरी बारी आ गई है। क्या है गुब्बे? हाँ सही बोल रहा, बोलता है जमशेद को पानी में पूरी नजर आ गई है। सही बात है। ठीक हो आप? फर्स्ट क्लास। अच्छा आप लांग रही हो? दूल्हे भाई को बड़ी सख्ती आई, इनके पैर में भी मोच आई थी। देखिए शाम खूबसूरत मौसम है आज। ये देखिए बहुत ही प्यारा मौसम है आज। ये देखिए। Assalamualaikum, welcome back to new vlog guys। कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया में होंगे। तो गाइज आज जो है हम जा रहे हैं, आज संडे है और हम जा रहे हैं ताहिर की शादी में। उनका आज वलीमा है और उनको हमने हार डालना भूल गए हैं, तो आज उनको हार डालेंगे। अभी जो है हम स्कूटी पे जाएंगे, तो आज मोटो व्लॉग नहीं बनाएंगे, आज सीधा सिंपल व्लॉग बनाएंगे और जाएंगे अपनी शॉप की शादी में। जहाँ पे मेरी शॉप है वहाँ से ही शादी की ओर जाना है। तो ताहिर भाई की शादी में आज वलीमा है। तो गाइस सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं, धूप निकल चुकी है, हम फ्रेश होकर बैठे हैं। अरहान जो है चाय पी रहा है और अभी मैं मौसम आपको दिखाता हूँ। मौसम इतना अच्छा है, आज धूप निकली हुई है। ये देखिए बहुत ही प्यारा मौसम है आज। ये देखिए गाइस हार आ गया। ये टेढ़ा क्यों हो गया? अभी मैं दिखाता हूँ। कल जो है बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी थी, तो आज जो है मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है। कल तो बहुत ज़्यादा सर्दी, तो लोगों ने जैकेटें पहन ली थी, यानी इतनी सर्दी रही कल। अब मौसम भी ठंडा है और ये देख सकते हैं ये हमारी स्कूटी है। आज इसी स्कूटी पे हम जाने वाले हैं। ये देखिए और मौसम देखिए कितना प्यारा है, आसमान कितना खूबसूरत और नीचे गणपत पुल। ये देखिए और बस आपका भाई जो है स्कूटी पे बैठेगा और जाएगा शादी में। मिलते हैं सीधा शादी में। अभी जो है आपका भाई चल रहा है, अभी 2 मिनट का समय मुझे और लगेगा और फाइनली मैं पहुंच जाऊंगा ताहिर के घर में। अभी जो है यहां से देखो मैं जा रहा हूं अपनी स्कूटी पे। ये देखो मौसम कुछ इस तरह सा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज। ये देखिए हमारा डोडा इस तरह, और डोडा से ऊपर हम टॉप पे हैं अभी। हाँ आगे जो है मैं स्कूटी लगाने वाला हूँ, यहाँ आगे थोड़ा इधर टर्न होकर ब्यूली भी जाती है रोड, लेकिन हमने इधर ही आगे जो है स्कूटी लगानी है। थोड़ा सा आगे और जाना होगा हमें। तो गाइज यहाँ पे हम स्कूटी रखते हैं यहाँ पे। और फाइनली ये देख सकते हैं आप, यहाँ से चुना डाला हुआ है शादी के घर के लिए। तो अभी ये जो डाला है ना यहाँ से सफ़ेदी, इसके थ्रू हम सीधा शादी में जाने वाले हैं। वो है ताहिर का घर आगे। अभी एक और ब्लॉगर है आदिल, तो उससे भी मिलना है अभी हमें, तो देखते हैं वो भी मत मिल जाएगा कहीं। देखो गाइज आदिल भाई, आदिल ब्लॉगर देखो कहाँ पर बैठा हुआ है। ये शादी वाला घर है ताहिर भाई का, वो आदिल भाई जो है हाई कर रहे हैं, आज ही ये व्लॉग अपलोड करेंगे। ताहिर कहाँ गया? ताहिर ये देखिए साहिबान लग रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक है आपको। आज व्लॉग बनाते बनाते ही आए हम भाई का। ये लो जी ताहिर भाई आ गया। पैर को है आराम? थोड़ा सा है आराम तो, मगर मत पूछो बड़ी हालत हो गई है। मुझे 2 पैन किधर लगाने पड़े भाई, ठीक हो गया। खुशकी चढ़िया। ये देखो हालत क्या हो गई है मेरी, बड़ी हालत खराब हो गई है, मत पूछो। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं इस तरफ जो है शादी का खाना बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे मीट बन रहा है, इस साइड चिकन फ्राई हो रहा है। बाद में मैं नीचे से भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले ऊपर से दिखाता हूँ। जीएमसी दिख रहा है यहाँ से, ये जीएमसी घाट में। How are you? तो गाइज ये है हमारे आदिल भाई व्लॉगर,
तो इनका नंबर मुझे डिलीट हो गया था, तो मैं अभी दौड़ के आया तो ये मुझे मिल गए हैं। तो ये छत पे थे, इनके साथ थोड़ा सा बात करके काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये गए थे लद्दाख। हाँ। इनके साथ पूरा कनेक्शन ही हमारा टूट गया था। सही बात है गाइस, पूरा कनेक्शन टूट गया, पूरा कनेक्शन टूट गया था एक्चुअल। आपको और एक गप गया था जब मेरी शादी थी। गाइस मैं इसीलिए मतलब वापस आया भले में यार, कसम से मतलब मैंने सोचा यार जमशेद की शादी और मैं ना हूँ वहाँ पे यार, ऐसा कैसे हो सकता है आपको भाई, मतलब वही तो। और मैंने जितनी ना उतनी गाइस कोशिश की, वहां से मैंने अपनी राइड को कैंसिल कर दी। आप मेरी उसमें देखना, मैंने मतलब परसों ये पहुंचा रात को 1:30 बजे, आप सोच नहीं सकते। हाँ गाइस, वो क्लिप्स में याकूब भाई के पास एक दे दूंगा छोटी सी, ये वो ऐड कर देंगे। इनके घर के नीचे से जा रहा था मैं, इसने मेरे को फोन भी नहीं किया। गलत बात है, मैंने सोचा यार डिस्टर्ब कहाँ करूंगा। एंड गाइस बाकी आपको पता है यार, अपना बेस्ट फ्रेंड है, सो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की खुद से पहुंचने की, और रात के 2:30 बजे पहुंचा हूँ। चाय भी आ गई है, ये मुझे ध्यान ही नहीं रहा, चाय आ गई है, अब हम चाय पियेंगे। और दूल्हे भाई को बड़ी सख्ती आई, इनके पैर में भी मोच आई थी, लेकिन शाबाश है इनके लिए। 2 दिन का इनका सफर गया, बारात गई थी लुधियाना, तो कल रात को 1:30 बजे पहुंचे ये, तो ये बहुत बड़ी बात है। बंदे में हिम्मत है इतना सफर करके, तो नींद आ रही, इसको पूरी रात सोया नहीं, परसों ये 2-3 दिन से ये सोया नहीं, 3 दिन से हम कोई सोया नहीं है भाई। इसके पीछे मैं भी 10 बजे वेट कर रहा था, 11 बजे, तो जब मैंने कहा ये बंदा मुझे पता नहीं कब आएगा, कब नहीं, चढ़ चुके हैं हम छत पर ताहिर भाई के। ये आदिल भाई, साइबान वगैरह जो है यहाँ पे पूरा इंस्टॉल हो गया, ये देख सकते हैं आप, लग चुका है। अब देखते हैं किसको किधर खाना खिलाना, इस साइड भी लग चुका है। तो ये है शादी वाला माहौल, ये देखिए। हाँ और क्या, शायद दोनों साइड खाटा, वो बोल रहे थे कुछ अंदर, तो मेरे हिसाब से अगर इन्हीं में हो तो ज्यादा बेहतर है, कुछ को अंदर कर देंगे तो कुछ बाहर। तो गाइस और क्या ना, जिम्मेवारी जो है मतलब याकूब भाई और मेरे ऊपर इन्होंने रखी है, जो यहाँ पे मतलब जो यहाँ के होंगे तो उनको सबको हमने मतलब खाना खिलाना है, हम दो भाइयों ने। तो बाकी आप सबको भी दिखाएंगे किस तरीके से खाना खिलाएंगे, कैसे क्या होगा, आप सब बने रहे ब्लॉग। आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे कैसे दावत होती है, और खाने में क्या क्या दिया जाता है, और कैसे यहाँ पे सिस्टम जो है यहाँ का, हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। और आपको ये देखिए इस तरफ जो है खाना बन रहा है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, ये नीचे। और ये देखिए गाइस, ये ब्यूली की पहाड़ी है पीछे, ये ब्यूली है, ये देखिए पहाड़ देख सकते हैं आप। एक साहिबान इस तरफ भी लगाया हुआ है, अब इस तरफ भी हम जाने वाले हैं। आदिल भाई अच्छा लगा है ना गाइस, अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो हमारे तरीके से लगा। तो अभी इसका थोड़ा अच्छे से मतलब मॉडिफिकेशन कर देंगे ना, मतलब आप देख सकते हैं नीचे गद्दे बिछाए जा रहे हैं, और इनके ऊपर जो है शीट आएंगे, बिकॉज जो बैठने वाली ऑडियंस होगी हमारी, उस ऑडियंस को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना याकूब भाई। तो हमारी यही कोशिश है, हाथ वगैरह उनके लिए तो यहाँ पे इंस्टॉल करवा देंगे, बाहर लगेंगे हाथ धुलाने के लिए, फिर यहाँ से आना तो यहाँ पे बैठ जाना। सही बात, शायद यहाँ पे दुल्हन बैठेगी, वही मेरे से लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है मुझे, शायद यहाँ पे दुल्हन बैठेगी, तो शायद खाना इस तरफ खिलाना होगा, देखते हैं अभी। तो देखो गाइस बच्चे यहाँ पे कितने जमा हो गए हैं, ढेर सारे बच्चे। और ठीक हो, बढ़िया हो? बस बढ़िया गाइस। तो दिखा दो याकूब भाई, सब्सक्राइबर लोग आप दिखा दो हमारे, ये देखो कितने बच्चे देखते हो वीडियोस वगैरह, देखते हो, वेरी गुड यार, थैंक्स यार ब्रो, थैंक्स गाइस। बाकी याकूब भाई को देखो, चेक करो याकूब भाई, वैसे धूप अभी हल्की हल्की आने लगी है। हाँ वही तो, और मौसम गर्म हो रहा है। ये देखिए चेक करें आप, बहुत ही खूबसूरत साहिबान इस तरफ भी लगा चुके हैं। आदिल भाई देखिए वहाँ से ब्लॉग बना रहा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा साहिबान है ये, ये देखिए इसमें प्यारे प्यारे फूल हैं ऊपर से, ये देख सकते हैं आप। आओ इधर जो है खाना खिलाएंगे, बिल्कुल सजा के रख दिया यहाँ पर। क्या आदिल भाई, मैंने जूता लगा के गलती हो गया अंदर गए। तो गाइस क्या करें यार, भूल जाता है हमें, आपको पता है हमारी इतनी याददाश्त है नहीं, शादियों में चलता है, चलता है और क्या लगा। तो फाइनली गाइस आपका भाई जा रहा है अब उरी पे, जहाँ पे खाना शाना बनाते हैं ना, उसको हमारे यहाँ उरी कहते हैं। तो आदिल भाई जो है आगे आगे जा रहे हैं, वो देखो, और अब हम भी जो है इस तरफ जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। ठीक हो आप, फर्स्ट क्लास, अच्छा आप लांग रही हो, ये देखो गाइस।
सगले यहाँ पे जो है लिए जा रहे हैं, चावल अंदर की तरफ लिए जा रहे हैं। देखो चेक करो, कैसे चेक करो, किस तरीके से उठाते हैं। ये देखो कैसे उठा, ये होता है देसी जुगाड़। यहाँ जुगाड़ कहते हैं, मुझे नहीं पता भाई कैसे इनको एडजस्ट करते हैं, बट यहाँ चेक कर सकते हो। ये देखो भाई लोग मोटरसाइकिल बोन जा रहा अभी यहाँ पे, मतलब चार और बचे, पहले तो इसको फिनिश करना है, मतलब उसके बाद ये, उसके बाद पहले वो इनके पीछे ही चलते हैं। इस तरफ जो है खाना बांटा जाएगा। अब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि यहाँ का कल्चर कैसा है और कैसे यहाँ पे खाने में क्या क्या देते हैं और कैसे देते हैं। ये देखते हैं, उसको अंदर लिया जा रहा है। यहाँ से जो है प्लेटें भर के इस तरफ से जो है ऊपर लिए जाएंगे। तो चेक करो, यहाँ पे चिकन वगैरह रेडी हो चुके हैं। अभी मुझे नहीं पता इसको फ्राई करना है क्या, फ्राई नहीं करना भाई, दिखा देंगे आप खाने के लिए। फाइनली गाइस, अभी जो है हमें दूसरी साइड भी नजर देनी है, तो अभी जो है हम जा रहे हैं कि आगे जो है हाथ धोने का सिस्टम वगैरह, खाने पीने का सिस्टम ओके डन हो गया, उसके बाद हम फिर से आएंगे वहाँ कि खाना कैसे भरते हैं कैसे नहीं। अभी जो है हम पहले जाते हैं कि पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया कि नहीं। ये पहुँच गए हम फिर से शादी वाले घर में। मैं और आदिल भाई जो है जा रहे हैं, अपना जमशेद भाई जो है तैयार हो रहा है छुप के अंदर से। तो ये देखिए इस तरफ बैठा जमशेद भाई, हाँ ये पूरा दूल्हा बन चुका है। ये देखो अस्सलाम वालेकुम, देखो दूल्हा कितना स्मार्ट बन गया है। तो गाइस परसों जो है ये जल्दी में लुधियाना चला गया था, तो हम उसको हार भी नहीं डाल पाए। अभी आप देख लो कितना सज गया भाई, दूल्हा बन चुका है यार, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है। जमे तुम्हारे का यार, बिलीव ही नहीं हो रहा है। तुम्हारी बारी भी आएगी ऐसे जैसे मेरी बारी आई है। क्या ये बोल रहा था अभी, कल ही बोल रहा था, बोलता है इसको पानी में, नहीं वाजिद बोल रहा था, बोलता है जमशेद को पानी में छुरी नजर आ गई है। सही बात है, समझ में आई थी। जैसे कि आप सब देख सकते हो, अभी याकूब भाई के भी कैमरे से मैं ही शूट कर रहा हूं, बिकॉज़ अपने याकूब भाई आप चेक मारो एक बार यहां पे, और जमशेद अपना भाई जैसे जिसकी शादी हो, और जाके ना कांग्रेचुलेशन लिख दो यार भाई को, पावर। बाकी चलो अभी थोड़ा बहुत हमारा जानू ना, देखना जरा इधर। तो फाइनली आदिल भाई जो अभी हम बैठे हैं लेंटर पर, और अभी जो है खाना स्टार्ट हो रहा है, तो अभी जो है हाथ वगैरह धुला रहे, तो आपको बताते हैं यहाँ पे जो है जो सिस्टम होता है हाथ कैसे धुलाए जाते हैं। छोटी सी एक ताश होती है, उसमें हाथ धुलाए जाते हैं। हाँ गाइस, कश्मीरी आप समझ सकते हैं, पूरा कश्मीरी कल्चर दिखाएंगे, कश्मीरी कल्चर, और वो भी अपने डोडा का। और ये देखिए गाइस, इस तरफ मेहमान बैठे हुए हैं, ये है क्राउड, ये देखो क्राउड। ये देखो आयाज भाई हाथ धुला रहे हैं यार, नहीं नहीं अवश्य चल रहा है, अवश्य चल रहा है, आ जाना यार, आना यार इधर, ये तरी है, ये लो भाई साहब तरी आ गई, गाइस देख रहे हो। ये देखो कैसे सर्व किया जा रहा है, बंदा चावल भर रहा है, दूसरा मीट डाल रहा है, चटनी डाल रहे हैं, यहाँ से चिकन डाला जा रहा है, फिर यहाँ से प्लेट को पैक करके आगे भेज दिया जा रहा है। Right, right, right.
जल्दी चलेगा।